हेलो एवरीवन। सो आज हम आए हैं लाल बाग में, लाल बाग से राजा गणपति के दर्शन लेने के लिए। सो आज है संडे का दिन और भीड़ तो बहुत मिलेगी, उसमें बारिश भी है। सो अपने को चिंचपोकली स्टेशन से 10 मिनट के वॉकेबल डिस्टेंस पे लाल बाग आ जाएगा। फिर वहाँ से अपन स्टार्ट करेंगे लाल बाग के राजा के दर्शन की लाइन। सो एक एडवाइस देंगे कि अपने को संडे नहीं आना है, संडे छोड़ के बाकी कोई भी दिन आ सकते हैं। स्टार्टिंग का टाइम अपने को ढूंढने में चला जाएगा कि लाइन कहाँ से स्टार्ट होती है। सो फाइनली हमको लाइन दिख गई है जहाँ से लोग एंटर कर रहे हैं, अपन भी स्टार्ट करते हैं अपनी एंट्री। सो अभी धीरे धीरे लोग बढ़ते जा रहे हैं, भीड़ आप देख सकते हो आगे जाके। सो दो यहाँ पे तीन लाइन्स है, एक है रोड के नज़दीक में, फिर दूसरी लाइन है अंदर ग्राउंड में, और तीसरी लाइन है लालबाग का राजा जहाँ पे स्ट्रेट अपने को दर्शन दिख जाएंगे। तो भीड़ देख सकते हैं आप बाहर की लाइन की। यहाँ पे अपने को सब सामान मिल जाएगा साइड में, जो भी टी शर्ट है या फिर खाने का सामान है या प्रसाद है, जो भी लेना है सब लाइन में मिल जाएगा। तो अपन ने एंट्री ले ली है अंदर के लाइन में, जो कि है ग्राउंड पे सर्कल में ये लाइन है। यहाँ पे भी एक एडवाइस देंगे कि अपने साथ खाने के लिए कुछ भी बैग में ले सकते हैं, या फिर पानी बॉटल जो कि आपको ज़रूरत पड़ने वाली है। 2 घंटा तो आराम से यहाँ पे लाइन में चले जाएंगे। तो आप लोगों की वेट देख सकते हैं कितनी है, ये ग्राउंड बहुत बड़ा है, पूरा सर्कल लगाते बैठना पड़ेगा अपने को 2 घंटा यहाँ पे। तो अपनी लाइन अभी स्टार्ट हो गई है, अपने को भी यही करना है। तो लेट्स गो। तो हमने जैसे एंट्री ली, हम लोग को गणपति बापा की आरती का टाइम हो गया था, तो हम लोग को आरती भी मिल गई। तो चलते चलते सबने आरती भी बोली। फाइनली हम थर्ड लाइन में आ गए हैं जहाँ से अपने को गणपति दिख रहे हैं धीरे धीरे। सो विजिबिलिटी आ रही है यहाँ से, अभी धीरे धीरे और आगे चले जाएंगे तो अच्छे से दिख जाएंगे अपने को। यहाँ पे आराम से 1 घंटा यहाँ पे भी निकल जाएगा भीड़ वाले दिन पे, अगर संडे है तो। यहाँ पे अभी सब लोग वही वीडियोग्राफी एंड फोटोग्राफी करने में बिजी रहते हैं, कोई कोई अपने घर वालों को वीडियो कॉल पे दिखाते हैं गणपति। तो यहाँ पे बहुत सारा क्राउड होता है, यहाँ पे VIP लोगों के लिए भी अलग से लाइन होती है, प्लस पहचान वालों के लिए अलग से साइड से आप देख सकते हैं।
तो अभी निकलने का टाइम हो गया है, हम लोग ऑलमोस्ट आगे तक आ गए हैं, इसके आगे और नहीं जा पाएंगे और अभी पीछे भी लाइन बढ़ते जाएगी, तो इसीलिए पुलिस हो या कार्यकर्ते हो अब तो बाहर निकाल देंगे यहाँ से, वरना लोग यहाँ से निकलने का नाम ही नहीं लेंगे, यहाँ पे रहेंगे बैठ देखते हुए गणपति को, बट पीछे भीड़ उतनी बढ़ते जाएगी। सो इट्स टाइम टू लीव नाउ, मिलते हैं नेक्स्ट ईयर सेम लाइन में गणपति दर्शन के लिए, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू। एट लास्ट तो दर्शन हो गए हैं, 4 घंटा 5 घंटा लाइन में खड़े रहने के बाद। सो मिलते हैं अभी नेक्स्ट ईयर सेम दर्शन की लाइन में, टिल देन गुड बाय।